हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी करिश्मा स्टडी पॉइंट। आज जो आपका बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट आ गया है, ये रिज़ल्ट जो आपका काफ़ी देर से आया है, सबसे एंड में आपका इसी का रिज़ल्ट आया, पर फिर भी इस रिज़ल्ट के आने में बहुत से स्टूडेंट को ये इशू हो रहा है कि उनके रिज़ल्ट में ए बी और ई आर है जो लिखा आ रहा है, जबकि उन्होंने टाइम से अपना ओ बी जो एग्ज़ाम सबमिट करवा दिया था। तो उन स्टूडेंट को जो है अपने एस एल में जाके मिलना पड़ेगा। आप नॉर्थ कैंपस के हैं तो वहाँ पे, साउथ कैंपस के हैं तो वहाँ पे, और आपको ये एक फॉर्म अवेलेबल कराया गया है जो कि है सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, पर इसमें आपको अपडेट नहीं दिया गया है कि ये ईयर वाले स्टूडेंट्स भी जो है, जो एनुअल मोड वाले, वो भी इसे फिल कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई क्वेरी है कि उनके रिजल्ट में ईयर या एबसेंट शो हो रहा है, इसमें आपका नीचे नाम पूछा गया होगा, रोल नंबर पूछा गया होगा, और आपको क्या इशू है, आपके रिजल्ट में क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, वो इसमें नीचे जो दिया गया है वो आप फिल कर सकते हैं, और इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। और पर फिर भी आपके लिए नेक्स्ट डे यानी कि कल जाके एस ओ एल में मिलना ज़रूरी है, और काफ़ी हद तक आपके ये चांसेस है कि आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आगे जो भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगी, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको एस ओ एल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो इसकी फर्दर अपडेट्स है वो मिलती रहे।